वो तो काफी ठीक स्पॉन मिला है, पर लेकिन पहाड़ों में ये कहाँ स्पॉन कर दिया है। तो चलो गाइस, सबसे पहले हमें विलेज ढूंढ लेना होगा क्योंकि वहाँ थोड़ी लूट मिल जाती है। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा विलेज ढूंढने की निंजा टेक्निक, तो ध्यान से देखिए। और इस निंजा टेक्निक से आपका डिवाइस भी फट सकता है। तो चलो गाइस, अभी हमें दूर दूर तक का तो दिखने लगा है, तो विलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर एक हमें विलेज दिखे है। देखा आपने आपके भाई का निंजा टेक्निक कैसे काम करते हैं, तो इसी बात में एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस वहाँ पर हमें एक रुइन पोर्टल भी दिख रहा है, उसे भी लूट के आते हैं। तो गाइस मैंने रुइन पोर्टल को लूट लिया है, और लूट आप देख सकते हो क्या मिला है। तो फिलहाल तो मैं विलेज में आ चुका हूँ, चलो विलेज को लूट लेते हैं। गाइस मैं आपको बताना ही भूल गया कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम बनाने वाले आयरन का टूल और आयरन का आर्मर और एक प्यारा सा घर। तो गाइस विलेज से लूट मैंने तो कर ली थी, वहाँ से थोड़े से मुझे आयरन मिल गए थे, तो अभी जल्दी से मैं आयरन का टूल बना लेता हूँ। तो गाइस टूल बनाते बनाते हमें रात हो गई। तो ज़ॉम्बीज का खतरा तो आप जानते हैं, रात में वो कितने खतरनाक हो जाते हैं। जल्दी से हम सो जाते हैं, कल सुबह हम देखेंगे। और ये क्या मेरे बेड पर सो रहा है, चल हट, आईना दिखना है यहाँ पर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो चलो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुके हैं, और जल्दी से मैं ये बेड ले आता हूँ और बाहर चलते हैं, बाहर का क्या हाल है। ओह यहाँ पर हमें आयरन गोलम मिल चुका है, तो जल्दी से इस नुबड़े को मार के हमारे पहले आयरन इकट्ठा करते हैं। वैसे तो मैं इस लुमड़े को मार ही दूंगा, पर मेरे पास ब्लॉक नहीं है। आप जानते होंगे मैं कितना बड़ा प्रो हूं। तो गाइस जल्दी से इस गोलम को मार लेते हैं। तो पहले तो मुझे ब्लॉक हाथ में पकड़ना होगा, तो एक दो तीन। और ये तो नहीं आ पाएगा यहाँ पर, तो मैं चार ब्लॉक की ऊंचाई पर हूँ और ये मार भी नहीं सकता मुझे। और देखो कैसे नुबड़ो की तरह आ रहा है वो मुझे मारने के लिए। ओह तो फाइनली ये मर चुका है। आयरन कितने ड्रॉप किए देखते हैं। और इसने तीन आयरन ड्रॉप किए, और चार आयरन मेरे पास पहले से थे। सो गाइस मैंने अपने लिए एक आयरन की स्वॉर्ड और एक पिकेक्स बना लिया, तो जल्दी से मैं अपने खाने का इंतजाम ही कर लेता हूँ। तो गाइस चलिए केव में जाकर थोड़े से आयरन और कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस माइनिंग करते वक्त एक ज़ॉम्बी से मैं भिड़ गया, और वो ज़ॉम्बी मेरे पीछे पीछे आके अपने टोली को साथ लेके मुझे मारने बैठ गया। और उस ज़ॉम्बी की आवाज़ मुझे ऊपर से आ रही है, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से ही माइनिंग अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। Oh!